नमस्कार, स्वागत है आपका द मोर्चा की डेली बुलेटिन में। मैं आपके साथ पूजा सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य ताजा खबरों पर। पांगा चौक से महिला का पर्स चोरी करने के आरोपी को 2.5 साल के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि यह शिकायत गरिमा नाम की महिला द्वारा दी गई थी, जो कि 25 दिसंबर 2020 को उसने शिकायत की थी, जिसमें बताया था कि पांगा चौक पर अपनी ननद के साथ खरीदारी करने के लिए आई थी, जिसके चलते एक युवक छुपटा मारकर उसका पर्स छीनकर फरार हो गया था, जिसके चलते पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था। पुलिस ने इस मामले की कार्रवाई करते हुए जो चोर पर्स चोरी करने वाला था उसको गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। सडोरा के नजदीकी गांव कुराला में एक अनियंत्रित कार सड़क से नीचे उतरकर पेड़ से टकराई, जिसके एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक के मृत्यु गांव सरवाना का रहने वाला था, जिसकी उम्र 58 वर्ष थी और उसका नाम नामचंद है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जो कि यमुनानगर में काम करता है, जो आज रोडा गांव वापस आ रहा था और उसने एक कार चालक से लिफ्ट ले ली। कार चालक तेजी से गाड़ी चला रहा था, उसकी कार गांव कुराली के नजदीकी अनियंत्रित कार होकर सड़क से नीचे उतरकर पेड़ से टकरा गई, जिसके कारण से नामचंद की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पाकर उसके परिजन हॉस्पिटल में पहुंचे और पुलिस भी मौके पर पहुंच गए। मृतक नामचंद का शव लेकर उसका पोस्टमार्टम के लिए जागीरदारी भेज दिया गया। साउथ वेस्ट जिले की साइबर थाना पुलिस ने ठगी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके खाते का विवरण पुलिस ने जब्त कर लिया है। आज पुलिस ने जानकारी दी और बताया कि क्रेडिट कार्ड रिवर्स पॉइंट को रुपए में बदलने के बहाने से ठगी करने के संबंध में एक शिकायत मिली, जिसके आधार पर पुलिस टीम हरकत में आई और कार्रवाई शुरू की। इस दौरान पुलिस टीम ने जांच शुरू की। तकनीकी की जांच और मैनुअल जानकारी के आधार पर आरोपियों के ठिकाने के बारे में पता लगाया, जिसके बाद पुलिस टीम तुरंत ठिकाने पर पहुंची और छापेमारी कर इन्हें पकड़ लिया, जिनके खाते का विवरण जब्त कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। किसान संगठनों ने सांसद पर भूषण का पुतला जलाकर लघु सचिवालय में एडीसी को ज्ञापन सौंपा। हालांकि किसान संगठनों ने सुबह ही रानी तालाब के पास ही एक रूप पार्क में एकजुट होकर सरकार व केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर आरोप जताया, जिसके बाद उन्होंने गोहाना रोड से होते हुए लघु सचिवालय तक प्रदर्शन किया और लघु सचिवालय के बाहर सांसद ब्रजभूषण का पुतला जलाया, जिसके बाद लघु सचिवालय में पहुंचकर एडीसी ज्ञापन सौंपा और उन्होंने ज्ञापन में मांग की कि खिलाड़ियों पर अत्याचार करने वाले सांसद भूषण की गिरफ्तारी की जाएगी और खिलाड़ियों को न्याय दिलाया जाए। उन्होंने कहा कि उनकी मांग पूरी नहीं होती तो वह बड़े सत्र पर एकजुट होकर प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार के खिलाफ आगामी आंदोलन की नीति बनाएंगे, जिसकी जिम्मेवारी केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार होगी। राजनगर में मिठाई के गोदाम के बाहर से हीरो एचएफ डीलक्स बाइक चोरी हुई। अज्ञात के खिलाफ पुलिस ने किया मामला दर्ज। राजनगर निवासी संदीप ने बताया कि कल 12 बजे अपने बाइक एचएफ डीलक्स को अपने मिठाई के गोदाम के बाहर खड़ा किया था। जब शाम को बाइक को देखा तो मेरी बाइक वहां पर नहीं मिली। उसने बताया कि मेरी बाइक का नंबर HR 33G3585 है, जिस किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लिया गया है। मैंने आसपास के काफी लोगों से पूछताछ की, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चला। पता करने के बाद इसकी शिकायत पुलिस को दी है। पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि संदीप की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर मामले की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। प्रीतभूषण बलतारी को जेल में डालो। मोदी सरकार मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद। हरियाणा की जेजेपी बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। हमारे खिलाड़ियों के साथ न्याय हो। खेल मंत्री सुरजीत मुर्दाबाद। आउटर दिल्ली के मामले में ट्रांजैक्शन के बाद रोडवेज की घटना में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि प्रदीप जागलान सख्त ने इन चारों ने मारपीट की थी। आपको बता दें कि दीपक
लाइट को लेकर मामले में विवाद हुआ था, जिसके बाद गाड़ी के आगे मोटरसाइकिल को लेकर इन चारों आरोपियों ने पीड़िता के साथ मारपीट की थी, गाली गलौज की थी। इस प्रकार पुलिस ने इस मामले का वीडियो क्लिक किया था और दिल्ली पुलिस में शिकायत की थी। दिल्ली पुलिस ने इसे बयान लेते हुए इन चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। यह आप देख सकते हैं कि वीडियो और फोटो के माध्यम से इस बात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल यूनिवर्सिटी सम्मिलित इन मामलों में जारी है। जींद, हिसार, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, रोहतक समेत हरियाणा के सभी जिले, देश व विदेश की सभी खबरें देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। द मोर्चा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।